हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफी अच्छे होंगे। और आज का जो दिन है काफी रेनी है, तो आज रेनी का टाइम है तो कुछ ना कुछ तो खाना बनता ही है। तो फिलहाल आज हम कुछ प्रोडक्ट है वेजले का, सोया चिकन करके, ये देखिएगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। वेज चिकन कहते हैं, तो ये वाला इस प्रोडक्ट का आज हम रिव्यू करेंगे। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, हमेशा इसको फ्रीजर में रखना है। जब आपको कंज्यूम करना है इसको फ्रीजर से बाहर रखिए, और इसको मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए, क्योंकि देखो फ्रीजर में तो जमा होगा, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो इसको शैलो फ्राई करना होता है। तो बाकी देखा जाए आज के टाइम में ऐसी वैरायटी आ गई है मार्केट में कि कहना ही कुछ और अलग है। अब देखा जाए नॉर्मली जो लोग जो नॉन वेजिटेरियन है चिकन खाते हैं, ठीक है, अब जैसे कई लोग होते हैं कि नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बने होते हैं, तो उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि एटलीस्ट उनको वेज फॉर्म में चिकन टाइप में टेस्ट मिल रहा है और है ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट। और ओवरऑल अगर हम वेजले की क्वालिटी की बात करें काफी अच्छी है। और पहले तो मैं भी नॉन वेजिटेरियन हुआ करता था, तो जब से चापे आई है आप ऑटोमेटिकली, मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली 10-12 साल तो हो गए हैं या ज्यादा भी हो गया होगा। फिलहाल देखा जाए वेजले के प्रोडक्ट मैंने भी रिसेंटली काफी रिव्यू किए 2-3, और क्वालिटी वाइज मेरे को काफी अच्छे लगे। जैसे इनका बीच वेज सीख कबाब था, और भी इनका चॉप स्टिक था, और इनका रोगन जोश था, जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा। तो फिलहाल मैं आज इसको पहली बार इसको क्या कहते हैं टेस्ट करूंगा, और मैं अपना फीडबैक आपको जरूर बताऊंगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, तो एक बार ये ट्राई करके जरूर देखिए, वेजले को जरूर बताइएगा। अगर आपने ऑलरेडी पहले किसी ने खाया हुआ है तो आप अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फिलहाल ये देखिए वेजले का प्रोडक्ट है, वेज चिकन कहते हैं इसे, वेज चिकन, और सबसे अच्छी बात है कि मैरिनेटेड है ऑलरेडी। और ये देखिए हाई प्रोटीन होता है, लो फैट की बात है, और इजी टू डाइजेस्ट है, जीरो कोलेस्ट्रॉल है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये मैरिनेटेड है। तो सोने से होगा क्या बात है, आपको बस फ्रीजर से निकालना है, इसको बाहर रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना, उसको शैलो फ्राई करना है। अब शैलो फ्राई में आपको बता दूं, जो आपका पैन होगा ना, और उसमें आप बटर लगाइए, उसको ऊपर रखिए, और उसको उस सबसे फ्राई करिए। तो इसमें अगर देखा जाए, इसमें इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, इसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाया जाए, इसमें लिखा हुआ है इसको सेपरेट करें जो उसके अंदर पीसेस होंगे, फिर इसको शैलो फ्राई करें ऑन नॉन स्टिक पैन विद बटर, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसमें ये देखिए, इसमें और भी ऑप्शन है, आप चाहो तो ये देखो बर्गर में भी रखते हो, बर्गर विद मेयोनीज, लेटिस, ब्लैक पेपर, और ये देखिए आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। तो फिलहाल देखते हैं चलिए। और इसको आप चाहो तो, अगर सपोज को शैलो फ्राई नहीं कर सकते तो आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, जब तक इसका जो कलर है गोल्डन ब्राउन ना आ जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसको ज्यादा फ्राई मत करिएगा, कहीं ये ना उसका टेस्ट खराब हो जाए। तो फिलहाल इसको मैं ओपन करता हूँ आपके लिए। और बाकी इसका अगर हम MRP की बात करें तो ये देखिए, अगर आप दिल्ली के हैं, दिल्ली या NCR के, तो 80 रुपये, और दिल्ली के बाहर है रेस्ट ऑफ इंडिया तो 90 रुपये का रेट लिखा हुआ है MRP। तो प्राइस वाइज अफोर्डेबल है, और ये जो MRP जो डेट है वो है 16 फरवरी 2021 की। तो ये देखिए ऑलरेडी मैरिनेटेड है, तो मैं थोड़ा सा हाथ हो सकता है कि मेरे निकालते हो साफ ना हो, आई मीन इसे हाथ ऑलरेडी क्लीन है, मैंने हैंड वॉश किए हुए हैं। अब ये देखिए आपको आइडिया लग रहा होगा, मैरिनेटेड ऑलरेडी है, नॉर्मल टेम्परेचर में ऑलरेडी आ चुका है। तो आई होप कि शैलो फ्राई तो आप कर ही सकते हैं, पैन पे इतना कोई टफ काम तो है नहीं। ये देखिए थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, और ये देखिए पूरा चिकन टाइप में ही लग रहा है दोस्तों। आप बताओ आपको कैसा लगा, लुक वाइज तो काफी प्यारा लग रहा है, बट जब हम खाएंगे तो ही पता चलेगा ना। तो देखो शैलो फ्राई करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, मैं इसको शैलो फ्राई करके लाता हूँ, फिर इसको मैं इसका कलर दिखाऊंगा, इसका कलर कैसा और टेस्ट करके आपको मैं बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी देखो शैलो फ्राई करके आ गया हूँ, ये देखिए, और देखिए दिखने में पूरा चिकन जैसा ही लग रहा है, बट ये चिकन है नहीं, ये देखिए। और बाकी इसको टेस्ट करके देखेंगे। इसको मैंने क्या किया है बता देता हूँ, इसको जो पैन होता है ना फ्राई पैन, तो उस पर बटर लगाया, और बटर करने के बाद इसके ऊपर इसको रखा, तो शैलो फ्राई किया इसको, और उस हिसाब से इस कलर में अगर आ जाता है तो ये समझ लो पक गया है, गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाता है। तो इसको भी टेस्ट करके देखते हैं, और बाकी हम प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो काफी इकोनॉमिकल प्राइस लगा मेरे को। और दूसरी बात यह है कि आप इसको बर्गर वैसे होता है, अगर आपकी शॉप है तो आप इसको बर्गर में भी डाल सकते हैं, लेटिस डालते हैं, और काली मिर्च हो गया,
तो जैसा भी है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको ज्यादा पता होगा। बट अगर आप घर पे हैं, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आप एक भी ट्राई करके देखिए। ट्राई करने में कुछ ज्यादा नहीं है, प्राइस काफी एक्सपेंसिव नहीं है। नियर बाई आप शॉप पे ट्राई कर सकते हो, और अगर सपोज को नियर बाई शॉप में नहीं मिलता तो वेजले के कस्टमर केयर में भी बात कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इनका क्या कहते हैं जो नियर बाई जैसे स्पार हो गया, इजी डे हो गया, तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल ये देखिए। और बाकी मेयोनीज में मेरे पास देखा जाए मेयोनीज टाइप में ही है, चीजी सॉस है ग्रीन चटनी वाली जो कि मेरी फेवरेट है। तो फिलहाल विदाउट मैं इसको उसमें ट्राई करता हूँ, ये देखिएगा। तो विदाउट इसको ये देखिए पूरा चिकन जैसा ही लग रहा है, काफी गर्म है अभी वैसे तो, हॉट है। तो देखते हैं ट्राई करके इसको, ऐसे खा लेते हैं। जूसी फ्लेवर है, इसको इसके साथ ट्राई करते हैं ग्रीन चटनी के साथ। अब इसमें ट्राई करके देखते हैं इसमें कैसा लगता है। वैसे घर की बनी हुई ग्रीन चटनी हो गया, उसमें भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, मेयोनीज में ट्राई कर सकते हैं, दिस विल डिपेंड ऑन यू। टेस्ट काफी अच्छा है इसका, ये देखिए जस्ट लाइक अ चिकन, लाइक है मतलब लग रहा है चिकन है, मतलब चिकन जैसा है और है बढ़िया वेजी। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। और बाकी ओवरऑल देखा जाए आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, तो ओवरऑल क्वालिटी सही है, प्राइस काफी रीजनेबल है, तो यू कैन ट्राई। और अगर आपने ऑलरेडी ईट किया हुआ है तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ये जो वीडियो है ना एक तो फ्रेंड सर्कल में आप जरूर शेयर करिएगा, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको एक सजेशन और भी दूंगा, जैसे भी आप वीडियो देख रहे थे, अगर आप जो वेजले का जो वेज चिकन आता है ना, तो अगर उसमें लेमन भी ऐड करते हैं ना लहसुन, तो एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो आप उसको अनियन और ग्रीन चटनी के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। तो बाकी सजेशन देना मेरा काम था, फीडबैक देना था, तो मैंने आपको दिया। आई होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू। Thanks for watching this video. Have a nice day. Thank you.